हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुलेमान मुबशिर है और मैं रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज का स्टूडेंट हूँ। मुझे अपने एक कोर्स जिसका नाम प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसमें एक फाइनल प्रोजेक्ट मिला है जिसमें मैंने एक व्लॉग बनाना है। व्लॉग का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि मैं जाऊँगा मुख्तलिफ लोगों के पास और उनसे पता करूँगा कि उनकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, वो 2020 में अपने लिए क्या चेंज करेंगे और कुछ ऐसा क्या करेंगे जिससे उनकी अपनी पर्सनालिटी में चेंज आए और सोसाइटी में चेंज आए और एक अपनी कंट्री के बेटरमेंट के लिए वो क्या करेंगे। तो चलें, चलते हैं लोगों के पास। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुसैन शाह। हम इनसे पता करते हैं कि इनकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। यार, मैं आप क्या इंट्रोडक्शन दूँ, बंदा ना कुछ किया हो, किसी काबिल हो तो फिर कुछ बताता भी अच्छा लगता है। बस मेरा नाम ही काफ़ी है, अभी अच्छा। उसी से गुजारा करें। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक तो चल रही है ऑलरेडी इसी साल से, थोड़ा सा अपने आप पे काम करना है, फिजिकली थोड़ा बेहतर होना है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो अभी आपका वेट कितना है? मेरा वेट अभी जो है 98 kg। तो आपको क्या लगता है, आप 2020 के एंड पे हाँ कितना वेट आपको कम करना है? टारगेट इज 80 kg तक आना। जी, आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है आपकी? मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट है वो दुरुस्त करूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी में जो ये मंशियात है, ये इसका रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, तो मैं कहता हूँ कि इस पर कोई कंपेन चलाए जो इसको काबू कर, ये मेरी 2020 रेजोल्यूशन है। ज़बरदस्त। सबसे पहले तो इस साल ना GPA अच्छा लेना है, इसके बाद शॉर्ट फिल्म बनानी है। सही। और जो है वो मकसद यही कि एक अच्छी जो है वो अपनी प्रोफाइल बनानी है इस साल। सारे काम छोड़ देंगे बुरी राह की तरफ वाले। अच्छा, बुरी राह काम है। फॉर एग्जांपल अभी वीडियो में नहीं बता सकता। जिंदा रहना, जिंदा और साल के लिए। ज़बरदस्त। इसके अलावा कुछ तो अगर मर गए तो? मर गए तो फिर क्या हो सकता है, मर गए ठीक है। बाकियों से तो पूछ ली कि उनकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, अब मेरा भी बनता है कि मैं आपको बताऊं कि मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। आज एक हम कैंपेन चलाने जा रहे हैं जिसका नाम है सेव यूथ फ्रॉम ड्रग एडिक्शन। मैं खुद तो ड्रग एडिक्ट नहीं हूँ, बट एटलीस्ट इस आने वाले साल में मैं हर अपने दोस्त को जो कि ड्रग्स का शिकार है, मैं उसकी हेल्प करूँगा, उसको इस लानत से बचाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कितना नुकसानदेह। इसके अलावा हर वो काम, हर वो छोटा छोटा काम जिससे इस मुल्क को फ़ायदा होगा, इस सोसाइटी को फ़ायदा होगा, इस आवाम को फ़ायदा होगा, ये मेरे लोग हैं, मुझे इनको फ़ायदा पहुंचाना है, मैं वो काम करूंगा। मैं सफाई का ख्याल रखूँगा, मैं ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि ये वो छोटे छोटे काम हैं जिनसे चेंज आ सकता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास हर बंदे का ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।